तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट एक क्वेश्चन देखा हमने, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव किया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई लोड है, उसका पावर फैक्टर यदि हमें इम्प्रूव करना है तो उसके पैरेलल में हम सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं, जिसको हम ओवर एक्साइटेड मोड पर उसको रन कराते हैं। तो हमारी सिंक्रोनस मोटर पावर एक कैपेसिटर की तरह काम करती है और रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है हमारे लोड को, जिससे कि लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ ए लोड ऑफ 180 किलोवाट फ्रॉम 0.85 लैग टू यूनिटी। एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि एक लोड का पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग से यूनिटी तक लेकर जाती है, और जो लोड है वो 180 किलोवाट की पावर ड्रॉ कर रहा है सप्लाई से, ठीक है। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली द मोटर कैरीज ए लोड ऑफ 60 किलोवाट। देखो बच्चों, जब मोटर लग रही है हमारी सिंक्रोनस मोटर, तो यह मोटर भी 60 किलोवाट की पावर सप्लाई से ले रही है। बात समझ में आ रही है, एक लोड तो हमारा है ही है, हमारा जो लोड है जो कि 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है और 180 किलोवाट सप्लाई से ले रहा है। मैं मान लेता हूँ ये लोड है हमारा, और ये P1 पावर ले रहा है सप्लाई से, कितनी 180 किलोवाट, और काम कर रहा है 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पे, मतलब कॉस Φ1 जो है इसका वो 0.85 है, ठीक है। हमने एक सिंक्रोनस मोटर लगाई हुई है यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर है हमारे यहाँ पे, ये मोटर लगी हुई है सिंक्रोनस मोटर MS, ठीक। देखो बच्चों, जब हम एक प्योर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो प्योर कैपेसिटर कोई एक्टिव पावर एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, ड्रॉ नहीं करता है सप्लाई से, लेकिन ये हमने मोटर लगा रखी है तो ये मोटर हमारी कुछ ना कुछ एक्टिव पावर भी ले रही है सप्लाई से PS, और वो कितनी ले रही है 60 किलोवाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमारी सिंक्रोनस मोटर कैसे पावर फैक्टर इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लीडिंग KVAR सप्लाइड बाई द मोटर। जो हमने मोटर लगाई है वो कितनी रिएक्टिव पावर, माना ये QS है, कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रही है इस लोड को, ठीक है। माना हमारे लोड में जो रिएक्टिव पावर आ रही है वो Q1 आ रही है और एक्टिव पावर P1 है। मोटर के अंदर एक्टिव पावर मोटर ड्रॉ कर रही है कितनी 60 किलोवाट, और ये सिंक्रोनस मोटर लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रही है, डिलीवर कर रही है, दे रही है किसको, लोड को, वो हमने मान लिया QS, ठीक है। और हमने माना भैया सप्लाई से जो रिएक्टिव पावर आ रही है वो Q2 है, ठीक, और जो एक्टिव पावर है उसको P2 मान लेते हैं सप्लाई से, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखें, अगर इधर से QS आ रही है, इधर से Q2 आ रही है, और इधर से Q1 जा रही है, अगर मैं इस नोड पर ध्यान से देखूं तो इस नोड की तरफ Q2 आ रही है और सिंक्रोनस मोटर जो डिलीवर कर रही है QS आ रही है, और हमारे ये टोटल एड अप होके कहाँ जा रही है, हमारे लोड में जा रही है Q1 में, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कहूँ आपसे कि मोटर कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रही है, वो QS इक्वल्स टू होगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमने जो हमने कैपेसिटर से रिएक्टिव पावर को सप्लाई किया था तो देखा था, QC इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या आएगा फॉर्मूले में। देखो बच्चों, आपकी जो पावर है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू P इंटू टेन फाई, मैंने प्रूफ किया था लास्ट टाइम, आपको बताया था कैसे आता है। तो आपका Q1 की जगह आप लिखेंगे P1 टेन फाई वन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, माइनस, अब ये Q2 की जगह लिखेंगे आप P2 टेन फाई टू। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जो P2 है, जो सप्लाई से टोटल एक्टिव पावर आ रही है वो किसके बराबर है। देखो बच्चों, P2 यहाँ से आ रही है, कुछ एक्टिव पावर मोटर के अंदर चली गई PS, और कुछ एक्टिव पावर, कुछ लोड हमारा कहाँ चला गया, जो आपका कुछ लोड पावर चली गई लोड में हमारी 180 किलोवाट। तो P2 इक्वल्स टू, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जो आपका P2 है दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस PS, ये लोड पावर प्लस आपका जो मोटर है वो कितनी पावर ले रही है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों P1 टेन फाई वन माइनस P1 प्लस PS टेन फाई टू, ओके। ये QS की वैल्यू आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब आगे क्या कह रहा है भाई, हमें QS की वैल्यू फाइंड करनी है। P1 पता है हमें 180 किलोवाट, PS भी पता है 60 किलोवाट, Φ1 यहाँ से निकाल लेते हैं जी हम, Φ1 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.85, चेक करो कितना आएगा,
कॉस इनवर्स 0.85, ये वैल्यू आई 31.78 डिग्री। फाई वन निकल गया। फाई टू कह रहा है जी पावर फैक्टर बढ़ाकर कहाँ पहुँचाता है, यूनिटी पे। फाई वन ये है, फाई टू कॉस, जो कॉस फाई टू है वो जीरो, कॉस फाई टू है हमारा वन, यूनिटी पावर फैक्टर। तो फाई टू की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, सही है ना। कॉस फाई वन हमारा 0.85 है, 0.85 से बढ़ाकर हमें यूनिटी करना है, मतलब कॉस फाई टू को वन लेके जाना है। तो फाई टू 0 डिग्री हो गया। ये वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। पी वन की वैल्यू है हमारी 180 किलोवाट, 31.78 माइनस 180 प्लस 60, 10 जीरो, 10 जीरो तो जीरो हो जाएगा ये पूरा, ये तो ख़त्म हो गया पूरा हमारा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका 10 कर दीजिए इनटू 180, तो ये आ गया हमारा P1 था हमारा 180 ओके। तो ये आ गया 111.55 KVAR, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 of 31.78 इंटू 180, 111.5177, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं क्या निकालना है। पावर फैक्टर देखो, ये तो निकल गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लीडिंग के वी आर सप्लाइड बाय द मोटर, इतनी पावर हमारी सिंक्रोनस मोटर सप्लाई करेगी। दूसरा कह रहा है द पावर फैक्टर एट विच द मोटर ऑपरेट्स, ये मोटर किस पावर फैक्टर पे काम कर रही होगी। देखो बच्चों, हमें QS पता है, हमें PS पता है, PS है हमारा 60 किलोवाट। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा एक पावर ट्रायंगल होता है हमारा, क्या होता है जी पावर ट्रायंगल में, यहाँ पर Y एक्सिस पर हमारा QS होता है और यहाँ P होता है हमारा, ये हमारा पावर फैक्टर एंगल फाई एस होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखाऊँ टेन फाई एस इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन पी एस, तो क्यू एस अपॉन पी एस करेंगे अगर हम डिवाइड बाई 60, तो ये आया हमारा 1.8586। फाई एस की वैल्यू हो गई हमारी टेन इनवर्स ऑफ 1.8586, 61.71। ये फाई एस आ गया। हमसे पूछा है पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाई एस पूछा है कि मोटर जो है हमारी ये किस पावर फैक्टर पे काम कर रही होगी। तो कॉस लगा दो, इसका कॉस कर दो, कॉस ऑफ 61.71 इसका कॉस कर दो, कॉस ऑफ आंसर, तो ये 0.4738 लीडिंग पावर फैक्टर पे हमारी मोटर काम कर रही होगी। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि हम पावर फैक्टर एक मोटर से कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।